पृथ्वीराज गांव छापर से। इनका पहला सवाल है, पिताजी मैंने घर में मंदिर वगैरह सब कुछ, मैं अपने घर से मंदिर वगैरह सब कुछ निकालना चाहता हूं, इससे कोई हानि तो नहीं? भाई मन मंदिर तन बेच कलंदर घटी तीर्थ नावे, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुत जन्म ना आवे। शरीर भगवान का बनाया वो मंदिर है जिसे आदमी नहीं बना सकता, और जिसे आदमी बना सकता है उसे शिफ्ट कर सकता है, यहां से वहां वहां से वहां वो बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये आदमी का बनाया मंदिर शरीर अगर एक बार ढह जाता है तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं इस मंदिर को दोबारा कोई बना सके। तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि भगवान शरीर रूपी मंदिर में दिल रूपी सिंहासन पे हमेशा विराजते हैं, और यहां उनका रास्ता है, कपाट है, कोई सुमरन करके ये दसवां द्वार खोल ले, ये तिल में प्रवेश कर जाए तो भगवान के साक्षात दर्शन कर सकता है, जो राम नाम से हो सकते हैं। इनका दूसरा सवाल है, पिताजी ये तावीज वगैरह क्या सही है? अगर नहीं तो इनसे हानि क्यों होती है? ये निरा पाखंड है, कोई ताबीज सही नहीं होते। अगर ताबीजों से फायदा हो तो ताबीज डाल के दुकान खोल के सो जाओ, फायदा तो होगा ही, काम करने की क्या जरूरत है। अगर ताबीजों से नुकसान होता तो एक देश वाला ताबीज बना के दूसरे देश में फेंक देता, सारा देश खत्म हो जाता, एटम परमाणु बनाने की क्या जरूरत पड़ती। तो ये निरा पखंड है, मत पड़ो ढोंगों में। वो ताबीज बनाने वाला नोट ले जाता है, आपको बुद्धू बना जाता है, होता हवा था कुछ नहीं है। हाँ, किसी से कोई चीज लेके ना खाओ, आजकल केमिकल है जो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, दिमाग हिला देते हैं, तो किसी से खाओ ना कुछ। वैसे ताबीज तो मुझ कुछ नहीं करते, आप बेफिक्र हो, राम का नाम जपो। इनका तीसरा सवाल है, गुरुजी ये पितृ भूमियां होते हैं, मेरे घर में भी पितृ है, क्या यह सत्य है? अरे भाई, पितृ यानी मां बाप जो पुराने बुजुर्ग, पहले तो यह सोचने वाली बात, मां बाप अपने बच्चे का बुरा करेंगे क्या? आपके जीते मां बाप घर में रहते हैं, बुरा करते हैं क्या? तो मरने के बाद वो बुरा क्यों करेंगे भाई? दूसरी बात, जब आदमी मरता है वो आत्मा इस धरती पे नहीं रहती, पाप किए तो नरक, अच्छे कर्म किए पुण्य किए तो स्वर्ग, और राम का नाम जपाए तो आवागमन से मुक्ति निज धाम चला जाता है। तो वो तो पता नहीं किस जूनियों में स्वर्ग नरक के बाद फिर से जूनियों में, पहले पेड़ पौधे, फिर पक्षी कीड़े मकौड़े जानवर, फिर कहीं लास्ट में 84 लाख जूनियों के लास्ट में आदमी का शरीर मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मत डरो, मत किसी पाखंड में पड़ो। हाँ, अपने मां बाप के लिए कुछ करना है तो राम का नाम जप के उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो आत्मा कहीं भी है उसका भगवान जी भला करें, यह हो सकता है।